हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ बहुत ही न्यू किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप्स है इस तरह की कंघी को लेकर। तो इस तरह की कंघी हर घर में यूज होते हैं और हर घर में जितने भी मेंबर होते हैं वो इसी तरह की कंघी यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के सिर में या बालों में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के सिर में बहुत सारे जुएं हो सकती हैं, कई लोगों के सिर में डैंड्रफ भी हो सकता है या फिर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का सदस्य अगर कोई घर में है तो आप उनकी कंघी बिल्कुल भी यूज ना करें। या अगर आप किसी दूसरे के घर गए हैं या किसी रिलेटिव के घर या किसी फ्रेंड के घर और आपको उनकी कंघी यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें अपने घर में तो पता होता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और हम अनजाने में उनकी कंघी यूज करनी पड़ जाती है और वे लोग हमें बताते भी नहीं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और ना ही हम लोग उनसे पूछते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि कभी भी हमें उनकी कंघी यूज करनी पड़ जाए तो उसके लिए इस तरह की छोटी सी पॉलीथीन ले लीजिए इस तरह की, जिसे लगाने से आप अपने बालों की कंघी कर सकते हैं। इस तरह की पन्नी लगाने से ये आपकी जड़ों पे नहीं लग पाएगा और इस तरीके से ना ही आपको कोई इन्फेक्शन होगी और ना ही कोई और बालों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी बाहर जाएं किसी और की कंघी यूज ना करें, सिर्फ अपनी ही पर्सनल कंघी यूज करें। तो दोस्तों, है ना ये बहुत ही कमाल का टिप्स। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा गैस के, मतलब ये जो होता है जिसमें से आग निकलता है, इसको लेकर के है। तो एक तो इसके छिद्र होकर के गैस निकलता है, मतलब आग जलता है, और एक क्या होता है ना, एक्स्ट्रा में फ्लेम निकलने लगता है जो इसके बाहर होकर के इस वाले साइड वाले एरिया से निकलने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तत्काल के लिए ये जो कोलगेट वाइट वाला है, कोई सा भी वाइट वाला पेस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें इस तरीके से साइड से लेप लगा देंगे, देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमारा गैस का जो फ्लेम है वो बाहर नहीं फेंकेगा, सिर्फ छिद्र होकर के ही निकलेगा और बहुत ही आसानी से हमारा ये भी रेडी होकर तैयार हो जाता है। तो है ना बहुत ही कमाल का टिप्स, देख सकते हैं दोस्तों। क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे घरों में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, जैसे कटोरी गिलास या फिर टिफिन वगैरह, वो ढक्कन खुलते ही नहीं रहते हैं उसके, या फिर एक गिलास में दूसरे गिलास चली जाती है तो एयर भरने के कारण ये गिलास मतलब निकल ही नहीं पाती। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसे खींचते हैं तो भी नहीं निकलता है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे, उस पर हम थोड़े बस 10 से 5 सेकंड के लिए चढ़ा देंगे तो ये जो गिलास है खुद ही मतलब चटक करके ऊपर उठ जाएगा और ये ढीला हो जाता है, उसके कारण ये निकल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा गिलास निकल गया। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।